मैं गुलजुबैर डैन, यूटी प्रेजिडेंट, नेशनल रोड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट। आज आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार में जो यूटी के हमारे अजी हैं उनसे मेरी अपील है कि जो एक हमारा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट का एक जो अभी मुहिम चल रही है जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में पेंशन की डिमांड की जा रही है, जो आपने देखा कि अभी राज्यसभा लोकसभा सब जगहों पर डिमांड हो रही है कि पेंशन जो है एनपीएस ये मुलाजमों के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से पहले एम्प्लॉयज ओल्ड पेंशन लेते थे, इसी तरीके से हमारी आपके माध्यम से डिमांड है सरकार से, हमारी जो राज्य सरकार है उससे, कि आप हमें जो ओल्ड पेंशन है उसको लागू कीजिए और एनपीएस को ख़त्म कीजिए। क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त जो एनपीएस में जो चीज़ चल रही है जिसमें कि हमारी जो पैसे कटते हैं, इससे जो आपने देखा हुआ कि हिंदुस्तान में, अभी मैंने एक दौरा किया था उत्तराखंड में, एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था ओल्ड पेंशन के लिए, उसमें आपने देखा कि वहाँ बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जो रिटायर हुए हैं और उन्होंने काफ़ी नाखुशी का इजहार किया इन एनपीएस से। इसलिए जितने भी इम्प्लॉयज जम्मू कश्मीर में एनपीएस के हैं, उन आपकी माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट जो है, जो पूरे भारतवर्ष में जो है एनपीएस की जो ख़त्म करने की मुहिम छेड़ रखा है और पेंशन की डिमांड करता है, ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन की बात करता है, जो एक रजिस्ट्रेशन जिसकी है, जो रजिस्टर्ड फोरम है, आप सभी जम्मू कश्मीर के जो यूटी के एम्प्लॉयज एनपीएस में हैं उन सबसे मेरी अपील है कि वो इसके साथ जुड़ें और ज़्यादा तादाद में जुड़े ताकि हम इस पेंशन की डिमांड को सरकार तक पहुंचाएं। और राज्य सरकार के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे भी मेरी अपील है कि पेंशन को रिस्टोर करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं ताकि मुलाजम जो लोग सरकार में नौकरी हासिल करते हैं वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट को महफूज मान सके। चूँकि आपने देखा होगा कि इस वक्त जो विधायक हैं, जो MPs हैं, अगर वो दो दिन भी सरकार में रहते हैं तो वो तमाम तरह की पेंशन के जो फ़ायदे हैं वो हासिल करते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय जो अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती समय जो देता है, जबकि उसको मालूम होता है कि बुढ़ापे में ही उसको पेंशन की या उसको ज़रूरत है उस तरह के फ़ायदों की, लेकिन आप देखेंगे कि उन सब चीज़ों से उसको वंचित रखा गया है, उसको महरूम रखा गया है। तो मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त यही जो NPS एम्प्लॉयज़ हैं उन तक मेरी ये अपील है कि वो अपनी इस डिमांड को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर हमारे जो नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट है उस तक अपनी डिमांड को रखें ताकि हम इसको पूरा करने में कामयाब हो सके। और आने वाले दिनों में मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने अपने जगह पर यूनिट्स को तैयार करें। तो अभी कुछ महीने के अंदर हमारे जो नेशनल प्रेजिडेंट बीपी सिंह रावत जी हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और इस दौरे में हम जो है सरकार तक भी अपनी बात रखेंगे और तमाम तरह की जो यहाँ की मीडिया है, प्रेस है, उसके ज़रिए से हम इस डिमांड को क्या खामियाँ हैं और क्या खूबियाँ हैं इसके बारे में खुल के बात करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।